बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं, आज की वीडियो में आपको अपने घर के एक मेरे परवाजी कबूतर हैं, ठीक है, उनका मैं आपको शौक कराने लगा हूं। तो ये आप देख सकते हो, स्पेशली जो है आज का शौक जो है मैं आपको ये वाले बेबी बच्चा जो आपके सामने ये रुका हुआ है इसका मैंने आपको शौक कराना है, क्योंकि ये माशाल्लाह बहुत ही आउटस्टैंडिंग परवाज़ें दिखा रहा है अपनी, ठीक है। टेम्परेचर में भी बहुत अच्छी परवाज़ है, और जैसे कि आप ये देख सकते हो कि ये इसके पैर के ऊपर हमने काटे हुए हैं, तो ये भी ठीक इसी तरह माशाल्लाह बहुत अच्छी परवाज़ें दिखा रहा था, तो इसे भी हमने यानी गोल करके छोड़ा है। तो अब इसकी बारी है, इसे गोल करना है हमने, ठीक है। तो अब हम इसे भी गोल करने लगे हैं, माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी परवाज़ दिखा रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। बाकी ये बड़े कबूतर बैठे हुए हैं, ये सारे हमारे घर के ही यानी बने हुए कबूतर हैं खुद के, और माशाल्लाह सारे ही बहुत अच्छी परवाज़ों में हैं। जिस तरह आजकल आपको पता है कि झाड़ का मौसम है और कुछ कबूतरों के बीच में पर कम है, जिसकी वजह से उड़ाया नहीं जा रहा है इनको, लेकिन इस बच्चे का मैंने आपको शौक इसलिए कराना है। और ये बच्चा जिस भाई यानी जो भाई को यानी इस वीडियो को देखेगा और इस कबूतर का शौक देखेगा और इस कबूतर के अंदर जो पॉइंट है उसे नोट करेगा, इंशाल्लाह उसके यहाँ बहुत ही अच्छे कबूतर बनेंगे। तो ये आप देख सकते हो जो बीच में बेबी बच्चा खड़ा हुआ, ये हमारा टैडी और कसूरी कबूतर का क्रॉस है, ठीक है। तो ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, अब मैं इसे पकड़ के भी आपको शौक कराता हूँ, साथ बने रहो। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने बेबी बच्चा हाथ में पकड़ लिया है। तो ये आपको पकड़ के शौक कराने का मकसद ये है कि आपके यानी जो मेरे इल्म में जो चीज़ है, जिस जो यानी कबूतरबाजी के हवाले से मैं जो चीज़ें नोट करता हूँ, ठीक है, उसी चीज़ को मैंने आपको बताना है, ताकि आपके भी इल्म में इजाफ़ा हो, आपको भी पता लगे कि किस तरह अच्छे कबूतर को परखा जाता है और क्या क्या उसमें हमने अच्छे कबूतर में पॉइंट नोट किए जाते हैं। तो ये आप सबसे पहले कबूतर इस बच्चे की आपने आँख को नोट करना है, ठीक है। ये आप देखो कि मैं आपको आँख का दिखाता हूँ कि आप इस चीज़ को नोट करो कि आँख में किस कदर आपको चमक नज़र आ रही है, ठीक है। और सारे रंग जिस तरह होते हैं वो आप देखो कि सारे मुकम्मल इस कबूतर में हैं। ये दूसरी साइड की भी इसकी आँख आपको यही चीज़ बताएगी जो चीज़ मैंने आपको बताई है। ये देखो कि आँख में चमक किस कदर है कबूतर की। ये जिस कबूतर की आँख में चमक होगी, ठीक है, वो कबूतर बहुत अच्छी परवाज़ का मालिक होगा। ये एक पॉइंट होते हैं, और पलक देखोगे बिल्कुल बारीक सी पलक है, ठीक है। अब जो है इसके अंदर मेन जो चीज़ें हैं जो नोट करने वाली हैं कबूतर में, वो ये होती हैं कि एक कबूतर अगर आपके यहाँ अच्छी परवाज़ दिखा रहा है, अच्छी परवाज़ कर रहा है, तो आपने उसे नोट करना है कि वो अच्छी परवाज़ क्यों कर रहा है, वजह क्या है, उसमें क्या ऐसे पॉइंट हैं जो मेरे यानी दूसरे कबूतरों में नहीं है, जिस वजह से वो नहीं उड़ रहे, या जो अच्छा उड़ता है उसमें ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसकी वजह से वो कबूतर एक अच्छी परवाज़ करता है और दूसरों से मुख्तलिफ होता है, ठीक है। तो ये कबूतर माशाल्लाह ये जिस तरह ये बेबी बच्चा है, अब ये हमने इसे करना है गोल, माशाल्लाह इसने बहुत अच्छी परवाज़ें दिखाई हैं। अब ये आप देख सकते हो कि इसने से बाहर के चार परी बचाए हुए हैं, ठीक है। ये छठी गली का बच्चा है और माशाल्लाह बचपन से उड़ना शुरू हुआ था, बहुत अच्छी परवाज़ें रहीं। तो अब इसे हमने करना है गोल, ठीक है। तो अब आप इसके जो हैं परों को भी नोट करो, हर चीज़ों को आपने नोट करना है, हर चीज़ को आपने समझना है। सबसे पहले तो आपको जो मेन पॉइंट है ना आज इस वीडियो में वो आपको बताता चलूं कि कबूतर की जो ये हड्डी और जोड़ जिस तरह हम कहते हैं ना, ये हड्डी और आगे इसके जोड़ होता है, ये इस कबूतर की परवाज़ का इससे बड़ा ताल्लुक है, ठीक है। एक तो जोड़ बंद होना चाहिए, हड्डी कश्ती नुमा होनी चाहिए, और कौन सा कबूतर आपने अपने यानी कि जोड़ों में इस्तेमाल करना, और कौन सा कबूतर आपका अच्छी परवाज़ का मालिक होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपने किस तरह नोट करनी है, जिस तरह आप ये कबूतर का ये हड्डी है ना, ये कबूतर की हड्डी और ये बीच में गैप आता है और ये जोड़ आते हैं, ठीक है। इसके दरमियान जो फासला है, जो एक अच्छा कबूतर होगा उड़ने वाला, ठीक है, जो अच्छी परवाज़ें दे रहा होगा, आप देखो नोट करो, यानी कि आपको इसके हड्डी के सीध पर इसके जोड़ नज़र आएँगे, और पहला पॉइंट कि ये थोड़ा इसमें ऐसा यानी एक उंगल का गैप बनेगा, और ये जो जगह होगी ना इसकी यानी इस ये दरमियान जो है यानी जोड़ और हड्डी के दरमियान जो जगह होगी ये खाली नहीं होगी, यहाँ आपको मांस नज़र आएगा। इस चीज़ को आपने नोट करना है, ऐसे भरा हुआ सा आपको नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ खड़ नहीं बननी चाहिए। अच्छे कबूतर जो होता है ना, जो यानी लंबी प्रवास का मालिक होता है, जो चीज़ें हम जोड़ में नोट करते हैं, ये देखो कि ये इसका पंजा है, एक पंजा ये है, ये इसकी हड्डी और ये इसका जोड़ बिल्कुल ऐसे सीध पे आ रहा है,
और यहाँ जो खड्ड है ये यानी महसूस कराती है कि खाली नहीं है, भरा हुआ है ऐसे, यानी इसके अंदर आपको इस तरह का जोड़, ऐसे जोड़ ये कबूतर इस तरह का जोड़ मिलेगा, वो कबूतर भी आपका बहुत अच्छी परवाज करेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि कबूतर अगर कोई अच्छी परवाजें दिखाता है तो उसमें कोई अच्छे पॉइंट होते हैं तो नोट करने वाले होते हैं, इस बेबी बच्चे में ये हैं। ठीक है, और इसके जो पर हैं, आप परों की तरफ चलें तो आप परों को नोट करो कि आप इसके परों की तरफ गौर से देखो, आपको समझ आएगी कि ये जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि चार पर हमेशा आपको ऊपर जाके ना, जिस तरह ये जगह होती है यहाँ आपको सीधे सीधे से दिखने चाहिए। ठीक है, और इस ये जो स्पेशली बाहर का जो पर है ना, इसमें सीधे ऊपर चलते हुए जाके यूँ घूमना चाहिए, यूँ मतलब सीधा जा रहा है ना, जैसे ये मतलब सीधा जा रहा है तो ये ऊपर जाके यूँ कर्व करें, यहाँ आके ऐसे टर्न, ऐसे अंदर की तरफ नीचे की तरफ टर्न करके बाहर निकले, यानी ऐसे जाके टर्न ऐसे करके फिर ऐसे बाहर निकले। ये कबूतर जो है ना माशाल्लाह बहुत गहराई पर उड़ने वाला कबूतर होता है, ये पर में देखा जाता है कबूतर के। ठीक है, ये जिस तरह इस बेबी बच्चे में है वो चीज़ है। ठीक है, इसकी वजह से ये माशाल्लाह बहुत अच्छी परवाज़ दिखा रहा है। ये अगर आप नोट करो तो इसके परों को स्पेशली देखो साइड से, तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह इसमें यानी कर्व आ रही है परों में। ठीक है, ये एक चीज़ आपने नोट करनी है, अच्छे कबूतर में ये पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब कबूतर की दुम पे आ जाओ तो दुम कबूतर की बंद भी होती है खुली भी होती है। ठीक है, लेकिन बंद दुम का कबूतर ज़्यादा अच्छा यानी रहता है हमारे नज़दीक जो है, यानी कि जोड़ों में हम बंद दुम का कबूतर भी इस्तेमाल करते हैं, खुले दुम का कबूतर भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों किस्म के कबूतर ही अच्छे होते हैं। ये आप देखोगे पंजे, ठीक है, पंजों के अंदर जो है ना इनका, यानी कि आप देखोगे ये जो कट्स हैं कबूतर के, ठीक है, पंजे में जो कट्स वगैरह होते हैं ये बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होने चाहिए, छोटे छोटे कट्स होने चाहिए, मतलब करीब होना चाहिए, और ऐसे आप हाथ फेरो तो आपकी उंगली को यानी महसूस कराए कि कोई चीज़ आपकी फिंगर को उंगली को रोकती है। ठीक है, ये चीज़ आपने नोट करनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना कि आज आपको इस बेबी बच्चे पे वीडियो दी जाए, इसका शौक कराया जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा परवाजी बच्चा है, बहुत अच्छी परवाज है इस बच्चे की, डैडी और कसूरी का क्रॉस है। तो ये था आज का शौक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप भाइयों को शौक पसंद आया होगा। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम इनको दोबारा उड़ाना शुरू करेंगे कबूतरों को, तो उस पर भी आपसे यानी वीडियो आपको देंगे। ठीक है दोस्तों, तो साथ बने रहो, अपने भाई वीप को इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़।